ऑलराइट, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपरमार्केट सिमू। अबे गैस स्टेशन है भाई, सिमू सुपरमार्केट नहीं है। सॉरी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गैस स्टेशन सिमुलेटर गेम प्ले वीडियो गाइस। सो लास्ट वाली पार्ट में गाइस हमने अपने गैस स्टेशन को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर लिया था, एंड अभी मेरे पास है $2,287, मतलब $2,287 पड़े हुए भाई। मैंने ऑफलाइन बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग करी है यहाँ पे। सो लास्ट वाले पार्ट में हमने एक और नया गैस वाला ये खरीद दिया था, इसको क्या बोलते हैं यार, पेट्रोल पंप बोलते हैं यार, देखो मेरे को नाम नहीं आता इसलिए मैं नॉर्मल भाषा में ही बोल रहा हूँ। हमने एक और नया पेट्रोल पंप खरीदा था, साथ ही साथ हमने अपने गाड़ी धोने का धंधा भी चालू कर दिया भाई, जो कि हम लोगों को $14-15 आराम से इजी कमा के देता है। बट सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो होता है इनसे भाई, आराम से $100 निकल जाते हैं, $70-80 तो राजी राजी बिल्कुल हंसते हंसते निकल जाते हैं। तो अभी मेरे पास $2,000 पड़े हुए हैं ना, सो मैं आज थोड़ा बहुत अपनी शॉप को भी अपग्रेड करने वाला हूँ। देखो क्योंकि ये फ्रीजर का सामान पड़ा हुआ है, लास्ट टाइम मेरे पास फ्रीजर था नहीं, और अभी अपना नया ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है बाय न्यू गेस, अपग्रेड इसको हम लोग बाद में करेंगे। बट सबसे पहले मैंने अपने शॉप को बंद रखा हुआ है ना, शॉप को क्लोज करते हैं, मतलब ओपन करते हैं अपने गैस स्टेशन को। शॉप नहीं है ये, सुपर फ्यूल, देखो गैस स्टेशन है। ओ आ गई, देखो गाड़ी है, धन्नो आ गई है पेट्रोल भरवाने के लिए। ओके आप भर लोगी ना मैडम अकेले, या फिर मेरे को आना पड़ेगा? ओके आई थिंक सो, इसने भर भी लिया। वाओ नाइस भाई, नाइस, इसने भर भी लिया है। तो अभी इन लोगों का थोड़ा सा मैं पेमेंट वगैरह यहाँ पे कर लेता हूँ भाई। ये लोग देखो बहुत ज्यादा पैसे देते हैं मेरे को, $16 इसने दिया लेकिन $50 का नोट दिया इसने मेरे को भाई साहब। और इसी के साथ अपना डे भी एंड हो चुका है, डे भी एंड कर लेते हैं एंड मॉर्निंग कर लेते हैं। अभी पहले मैं इनका कलेक्ट कर लूँ क्या यार, मुझे लगता है ओ बस $70 ही, देखो $71 दिए इसने मेरे को, $70 मेरे को काटने थे। ऑल राइट, सो ये हो चुका है। सो अभी मैं सबसे पहले एक फ्रिज बाई करने वाला हूँ, हम लोगों के पास सब आइटम है, कार का सब का सारा फ्यूल वगैरह सब कुछ है, फ्यूल भी अपने पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, एंड कार वॉश के लिए भी अपने पास क्लीनिंग फ्लूइड जो भी इसको बोलते हैं बहुत सारा पड़ा हुआ है। सो अभी मैं फर्नीचर में गाइस बाय करने वाला हूँ एक फ्रिज, मैं ये छोटा वाला फ्रिज ही बाय कर लूँ क्या फिलहाल के लिए, बट बड़ा वाला तो फ्रीजर है, नहीं मेरे को बड़ा वाला फ्रीजर नहीं चाहिए, मेरे को फिलहाल के लिए ये वाला फ्रिज चाहिए। सो इसको हम लोग बाय कर लेते हैं जो कि आने वाला है, ओ भाई टाइम लगाएगा आने में। साथ ही साथ मेरे को वो सामान भी ऑर्डर कर लेना चाहिए था यार मेरे ये स्टोर के लिए, क्योंकि सामान है नहीं है, देखो काफी कम सामान बचा हुआ है और फ्यूल वगैरह अपने पास पड़ा है यार, सुबह होने के साथ ये क्लोज हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ मैं। तो इसी के साथ देखो एक थोड़ा सा फ्यूल और भी मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ताकि क्या है ना बाद में मेरे को कमी ना हो, मुझे लगता है कि कहीं कमी ना पड़ जाओ दूसरे वाले में, डीजल वाले में। ओके ये डीजल है, नाइस। ओके मैं ये गैसोलीन का एक बाय कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं एक ये भी बाय कर लेता हूँ, ये मैं दो कर सकता हूँ ना। ओके मेरे पास देखो अभी भी $1,700 पड़े हुए हैं, नाइस बाय हो चुका है सारा सामान, एंड अभी डिलीवर भी हो जाएगा कुछ टाइम में। शॉप को अपग्रेड करना है तो शॉप का सामान भी आ चुका है। ओके लेट्स गो, अपना फ्रिज आ गया है, नाइस निकाल लेते हैं इसको। ओके तो ये अपना फ्रिज आ चुका है, इसको रखना कैसे है बस वो चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, इसको रखो कैसे है, इसे प्लेस करते हैं जरा। हाँ ओके एकदम परफेक्ट रखा है मैंने, नाइस। इसके अंदर अभी ये सामान रख देता हूँ यार, ये काफी टाइम से पड़ा हुआ है ये सामान, और इसका प्राइस भी सेट करना मेरे को, रुको ये लोग खरीदे उससे पहले इसका प्राइस सेट करो भाई। ये देखो मार्केट प्राइस इसका 5.23 है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 550 कर देता हूँ ना, नाइस भाई प्रॉफिट तो भाई चाहिए मेरे को, सेलिंग चाहे कम हो बट मेरे को प्रॉफिट चाहिए। ऑलराइट तो सामान अपना जम चुका है, इनको फेंक देते हैं, कोई मेरे को बुला तो नहीं रहा ना। ओ वो देखो वो बंदा बुला रहा है, मुझे लगा ही था भाई वो बंदा गाड़ी धोने के लिए बुला रहा है, और यहाँ के जो गाड़ी धोने वाले बंदों का पता नहीं एटीट्यूड समझ में नहीं आता मेरे को, ये लोग बेटा क्या करते हैं ना, अगर मैं नहीं आता हूँ ना तो ये लोग गाड़ी लेके चले जाते हैं, वेट भी नहीं करते मेरा। चलो पेमेंट हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, थैंक यू ब्रो। अभी पता नहीं इसने कितने दिए, $16-17 ही दिए होंगे, ज़्यादा नहीं देते हैं ये लोग। आज की वीडियो में मुझे बहुत काम करना है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या करना है मेरे को आज, इसके लिए कुछ फर्नीचर्स और ऑर्डर करने हैं अपने सुपरमार्केट के लिए, एंड यहाँ पर भी मुझे लगता है कि सामान ऑर्डर करना पड़ेगा। फ्यूल अपना भाई ऑलमोस्ट फुल है भाई, ऑलमोस्ट फुल है फ्यूल, नाइस। डीजल अपना आने वाला है कुछ टाइम में, बस डीजल आने ही वाला है। बता रहा था आज मेरे को क्या क्या काम करना है, मेरे को सकाई सबसे पहला काम करना है यहाँ के लिए फर्नीचर ऑर्डर करना है, ओके। सेकेंड चीज मेरे को ये अपना अपग्रेड भी करना है गैस पंप, तो आज वो भी होगा, एंड साथ ही साथ मैं कुछ वो भी अनलॉक करने वाला हूँ अपने लाइसेंस को भी, जो अपने स्टोर के लिए नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे, तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मूव करने वाला हूँ, ठीक है। इसको अबे हट जाना, हटा भी नहीं भाई क्या है ये। ओके ठीक है,
तो इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा। नाइस, तो इसको मैं जमाऊंगा रखूंगा कुछ इस तरीके से। अभी रख दिया है, बिल्कुल सही। ओके नाइस, तो अभी वापस से पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। भाई ये लोग तो मेरे को वैसे भी जीने नहीं देंगे। मुझे सामान ऑर्डर करना है अपने लिए, क्योंकि सामान सारा खत्म हो चुका मेरे स्टोर का। ठीक है, तो पहले सामान ऑर्डर कर लेते हैं, जितना भी है सारा का सारा ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। फर्नीचर आ गया एंड प्रोडक्ट्स में मैं ये सब कुछ बाय करने वाला हूँ। एड 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 $300 का सामान हुआ है। नाइस, अबे यार ये पता नहीं क्यों आ जाता है। इन लोगों से आराम से इजी मनी कमा लूंगा मैं। एंड गाइस, ये दोनों जो लाइटें यहाँ पे लगी हुई है ना मेरे कंप्यूटर के पास, इनका मेरे को यूज अब जाके पता चला। मतलब यहाँ पे जिस कस्टमर को भरना नहीं आता है ना फ्यूल, या फिर जिसको गाड़ी धोना नहीं आता है ना, वो खड़े हो जाते हैं एंड मुझे पता नहीं चलता बहुत सी बार। तो ये लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती है जहाँ पे, मतलब जिसको फ्यूल भरना नहीं आता है तो फ्यूल वाली लाइट चल जाती है, तो मेरे को वहां पर जाना है। और अगर जिसको गाड़ी धोना नहीं आता तो ये वॉश वाली इधर की लाइट चल जाती है, तो मेरे को वहां पर जाना है। अभी देखो मेरे को यहाँ पे देखो, तुम लोग फ्यूल का मेरे को आ चुका है नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखो तुम लोग, वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे लाइट चालू हो गई है, तो मतलब मेरे को वहाँ पर जाना है। वैसे नोटिफिकेशन भी आ जाता है, उसको पढ़ के चला जाता है, बट ये भी एक अच्छा, अगर नोटिफिकेशन बाई चांस इग्नोर हो गई तो ये बढ़िया चीज़ है। लेट्स गो, डीजल मेरा ऑलमोस्ट खत्म है। भाई डीजल कहाँ गया, इतना टाइम हो गया डीजल आया क्यों नहीं मेरी। नेक्स्ट डिलीवरी 3-2-1। अच्छा क्या चीज़ की डिलीवरी हो रही है, पहले मेरे को ये देख। पार्सल आ गया बट मेरा वो क्यों नहीं आया डीजल। रुको यार मेरे को डीजल एक बार देखने दो। परचेज किया था डीजल भाई, दो बार परचेज किया था। अच्छा एक टाइम पे एक ही होता है क्या? ओके एक टाइम पे एक ही होता है, समझ में आया भाई मुझे। पार्सल हम लोग सारे कर सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट्स हम लोग और भी बाय कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते। दारूबाज तो गाइस यहाँ के लोग भी हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने अभी ये चार शेल्फ रखी थी, सच्ची में चार शेल्फ मैंने भर दी थी इसकी फ्रिज की। अभी देखो केवल दो बची है, जबकि मुझे मुश्किल से 5 सेकंड लगे होंगे यहाँ से यहाँ पर आने में। फटाफट से मैंने पेमेंट कलेक्ट किया है इन लोगों का, तो भी यही सीन हो रहा है। वाह भाई वाह। ऑलराइट, तो सामान भी अपना सारा जम चुका है एंड मेरा सुबह मॉर्निंग हुई है अभी, सो वापस ये क्लोज हो गया था, तो अभी इसको ओपन कर देते हैं। अभी मेरे पास $1,850 है ना, सो मैंने सामान जितना मंगाया था वो इतना ही हुआ भाई, मुझे लगा नहीं था इतना सही होगा, बट मुझे और भी मंगाना है। तो सबसे पहले मैं कुछ शेल्फ मंगाने वाला हूँ, ताकि मैं सामान ज़्यादा मंगाने वाला हूँ ना, तो वो जमाने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शेल्फ मैं बड़ी वाली और मंगा रहा हूँ। ओके ये ऑर्डर हो चुका है। एंड कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ भी नहीं है क्या यहाँ पे, मेरे को एक बार देखने दो यार। डेकोरेशन के लिए अगर कुछ हो तो बढ़िया रहेगा। तो प्रोडक्ट लाइसेंस भी बाई कर ले क्या भाई, $400 का है, मेरे पास अभी $1,600 पड़े हुए हैं, आराम से मैं बाई कर सकता हूँ। हाँ मैं गाइस यहाँ पे कैशियर भी बिठा सकता हूँ। यस मेरा लेवल देखो तुम लोग 10 हो चुका है अपने स्टोर का, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया भाई। एक बंदे को मैं परचेस करूँ क्या, कितना क्या पैसा लेगा, बट यहाँ पे चार्जेस नहीं बताए हुए, बस स्टोर का लेवल बताया हुआ है। सो मैं एक बंदे को हायर करके देखना चाहता हूँ कितने क्या पैसे इसमें लगेंगे, तो मैं अपने फ्यूल वाले बंदे को हायर करता हूँ। ओके 75। ओके गैस पंप वर्कर सर्वर कस्टमर, एक दिन के ये $75 लेगा भाई, दो दिन के भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा महंगा है मेरे लिए, लिटरली बहुत ज्यादा महंगा है ये तो। $255 ये 7 दिन के ले रहा है, ये एक दिन के $75 ले रहा है। नहीं भाई रहने दो, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, क्या तुम सब भी नहीं, ये 45 ले रहा है, और तू ये तो भाई $150 ले रहा है, सबसे अलग चल रहा है ये बंदा। तो तीनों में से किसी को हायर नहीं करना, सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एक दिन के लिए हम लोग हायर कर लेते हैं। चलो ऑयल वाले को एक दिन के लिए हायर कर लेते हैं। क्या बंदा आ चुका है, यस बंदा आ गया, ये देखो ये आ रहा है बंदा, लेट्स गो। अभी ये फ्यूल भर देगा, पेमेंट भी क्या तू ही लेगा, यस पेमेंट भी इसी ने लिया, क्या इसने मेरे को दिया क्या। नाइस भाई बहुत सही बंदा आया यार, इसकी यूनिफॉर्म देखो तुम लोग क्या ही मस्त लग रही हो। मेरा सामान भी आ गया है बहुत सारा, अगर मेरे को कुछ इमरजेंसी हुई तो ही मैं इनको हायर करूंगा भाई, वरना बहुत महंगे, वो भी मैं केवल एक दिन के लिए, इतने नहीं कि भाई 7-7, 8-8 दिन के लिए मैं करता रहूं। ओके तो मेरा ये भी आ चुका है, शेल्फ भी आ चुकी है एक, इसको भी मैं यहीं पे इसी के लेवल पे सेट करने वाला हूं। लेट्स गो, बिल्कुल एकदम भाई जमाने में तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, सामान तो एकदम परफेक्टली जमाता हूं। और मेरी लाइन भी लग गई है कस्टमर्स की, मैं बाद में हायर करूंगा भाई। ये देखो पीछे इधर भी फ्यूल की लाइन लग गई है, वहां पर गाड़ी खड़ी हुई है, अगर वहां पर गाड़ी वॉश करने के लिए एक और आ गई तो वहां पर भी भीड़ लग जाएगी। मेरे को फटाफट से सामान जमाना पड़ेगा यार, ताकि मैं यहाँ से इसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा हूँ डीजल एक और बाय कर दूं यार, डीजल बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, मैंने अभी देखा डीजल काफी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है मेरा, तो एक और नया डीजल, या फिर मैं बड़ा वाला भी ये नहीं कर सकता क्या यार।
मैं ये मीडियम वाला खरीदना चाह रहा हूँ। एंड अभी गाइज है ना, अपने पास $1800 पड़े हुए हैं, सो मैं एक प्रोडक्ट लाइसेंस बाई करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। $400 अपना यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं, एंड देखते हैं कि नया नया आइटम क्या क्या खुला है अपने पास, बिकॉज मुझे स्टोर के लिए नया नया आइटम बहुत चाहिए। ओके लेट्स गो। ओ भाई काफी सारा सामान खुल गया एक ही बार में। ओ हॉट डॉग्स भी खुल चुके हैं, बट इनके लिए ओ शेल्फ में रख सकते हैं, नहीं रख सकते इनको, मैं सैंडविच शेल्फ में रखना पड़ेगा। ओके, और कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी मशीन ऑर्डर करनी पड़ेगी। जो आइटम मेरे को शेल्फ में रखना है ना, वो वही मेरे को बाई करना है। सो फिलहाल के लिए सब कुछ बाई कर देता हूँ मैं, जो जो शेल्फ में रख सकता हूँ। तो $700 का मैंने सामान बाई कर लिया भाई, मजाक में $700 का सामान बाई हो गया, पहला मेरा सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट अपने इस स्टोरी में। मुझे अभी अपग्रेड का चेक करना है ना यार, कि अपग्रेड कितने में होता है, क्योंकि मुझे उसके लिए भी पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, या फिर मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि पहला काम, पहला टास्क अपना हो चुका है स्टोर में फर्नीचर का, एंड दूसरा भी हो चुका है प्रोडक्ट लाइसेंस का। अभी तीसरा अपना बचता है, वो है अपग्रेडिंग का। तो उसको देख लेते हैं एक बार, अपग्रेड कहाँ पे होगा। ये गैस पंप आई थिंक जो यही है अपग्रेड करने का, गिव एक्स्ट्रा गैस पंप। नहीं यार, मैंने ऑलरेडी मेरे पास है, और कितने में बाय करूं। एंड ये तो $400 में ही हो जाएगा यार, $400 में आराम से मेरे पास पड़े हुए हैं। ओ नया डे भी अपना एंड हो चुका है, एंड बंदा बुला रहा है मेरे को वॉशिंग के लिए कोई, तो मेरे को वहां पर भी जाना पड़ेगा। पहले हम लोग डे एंड कर लेते हैं, और वॉशिंग के लिए बंदा बुला रहा है, तो मैं फटाफट से इनको कलेक्ट करके फिर जाता हूँ। ये लोग तो रुक जाएंगे, इनका कोई इशू नहीं है, वो भाग जाएगा, मेरे को उसके पास जाने दो पहले, वो भाग जाएगा। भाई ये क्या मर के चलता है ये बंदा यार, थोड़ा फास्ट चल ले मेरे भाई, ताकि मैं यहाँ से इसको फटाफट से काम कर सकूँ। ये देखो जा रहा, वेट ब्रो, ब्रो वेट वेट भाई, अभी ये देखो मेरे सामने से चला गया यार, आ तो गया था मैं यहाँ पे भाई, यार मेरा $12-13 का नुकसान कर दिया यार, शिट ब्रो। सो चलो मैं इसको अपग्रेड कर ही लेता हूँ, $400 ये मांग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या यही है, गिव एक्स्ट्रा गैस पंप, यही था ना। परचेस एंड न्यू लाइसेंस, अभी तो किया मैंने परचेस, अबे यार मेरे को इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए था यार। ओके तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने कर लिया है, दोनों आइटम मैंने कर लिए। देखते हैं क्या गिव एक्स्ट्रा फ्यूल पंप का कहाँ से क्या चीज़। ओह इधर, अच्छा आगे की तरफ एक और आ गया है गैस पंप, ऐसे आगे जाता रहेगा क्या ये। मेरा अभी तक सामान नहीं आया है, सामान आने में अभी 20 सेकंड और लगेंगे, ठीक है, तब तक हम लोग यहीं से पैसा कलेक्ट करेंगे ना। ओ एक दिन हो गया, बट ये बंदा गया नहीं है, नाइस ओवर टाइम भाई, बट मैं ओवर टाइम ये पैसे नहीं दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ, तू तेरे मन से रुका हुआ है। हाँ ओके, ये बंदा फिर से आ गया घूम फिर के भाई, यहाँ पर डेजर्ट एरिया है। ओ नहीं ये मैडम है, अच्छा वो पहले भाई था, ओके मुझे लगा वो वापस आ गया भाई, क्योंकि डेजर्ट एरिया भाई यहाँ पे शॉप केवल मेरी अकेले की है, कार वॉशिंग की है वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ, तो मुझे लगा वो वापस आ गया। बट उसने इस बार अपनी वाइफ को भेजा है, आई थिंक सो, इसकी वाइफ थोड़ी अच्छी है। अबे ये कहाँ टक गया मैं, सॉरी मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था, सच्ची में टक गया था। ओके लेट्स गो, सामान भी अपना आ चुका है, तो सामान को भी फटाफट से जमाना शुरू करते हैं भाई। चिप्स आ गए अपने बहुत सारे, सो फिलहाल के लिए मेरे शेल्फ वगैरह सारी की सारी यहाँ पर फुल हो चुकी है। मैंने क्योंकि क्या है ना, इसको क्लोज किया हुआ था अपने गैस स्टेशन को, ताकि मैं आराम से सामान को जमा सकूँ। ओके एक शेल्फ खाली हो चुकी है, इसको भी भर देते हैं भाई। मेरे को नए आइटम में बहुत डर लगता है, बिकॉज इनका मेरे को प्राइस पहले सेट करना होता है। ये बंदे ले लेते हैं फटाफट से, नहीं भाई ये बहुत महंगा है, $13 का है। ओके ठीक है, अब ठीक है भाई, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ऊपर से ये लोग सस्ते में खरीद लेते हैं। इसी के साथ गाइस अपना डे भी एंड हो चुका है, अपने स्टोर का लेवल भी 11 हो चुका है। सो अभी मैंने डीजल वो किया था ना परचेस, अभी मेरे को लाइसेंस परचेस करना है। $800 का अपना ये आ रहा है भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड लेवल 7 है अपने स्टोर का, 10 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 लास्ट है इसमें। ओके सो मैं ये भी परचेस कर लेता हूँ, ताकि मेरा यहाँ का काम हो चुका है। प्लेस ए न्यू शेल्फ और फ्रिज इन द गैस स्टेशन, भाई मैंने अभी क्या अभी ये ऑर्डर किया है यार, मैं पता नहीं ये गलतियाँ क्यों करता हूँ, मेरे को वेट करना नहीं आता है सीरियसली। बट मेरे को एक शेल्फ की और ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई सामान कितना सारा हो रखा है, और भी आने वाला है, तो इसीलिए एक शेल्फ और मंगा लेते हैं हम लोग ये वाला, और फ्रिज भी हम लोग बाय कर ही लेते हैं एक और, ज़रूरत पड़ती ही रहती है। फ्रिज के लिए पैसा नहीं है, हो जाएगा पैसा, लो भाई हो गया, बस हो गया भाई पैसा। ओके दोनों की दोनों बाय कर लिए मैंने। ओ गाड़ी धोने वाला कोई वहां पे वेट कर रहा है मेरा, रुक तो भाई मेरे को वहां जाने दो। ओ रवाना हो गया, चलो चला गया वो।
मैंने गाइस लगभग आज $3,000-4,000 आराम से खर्च कर दिया भाई। 2,000 तो मैंने शुरुआत में खर्च कर दिए थे, उसके बाद मैंने बहुत कुछ और सामान ऑर्डर किया है यार। ये वॉशिंग के लिए अच्छा, ओके मेरे पास वॉशिंग का वो खत्म हो गया है। ऑल राइट, रुको भाई, मेरे को वॉशिंग वाला वो चाहिए। मेरा वॉश कार वॉश का खत्म हो चुका है, आई थिंक सो, यस खत्म हो चुका है। $70 का ये मेरे को और मंगवाना पड़ेगा। बॉक्सेस को फिलहाल के लिए मैं साइड में कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर क्या है ना, अपने शेल्फ के लिए जगह हो पाए। तो को अंदर ही जाके इसको खोलेंगे, ओपन करो भाई। ओ भाई हेलो भाई, ये देखो ग्लिच में मेरे को फंसा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके ये भी सेट हो चुका है। अभी ये सामान को यहाँ पर रख देता हूँ भाई, सामान बहुत सारा है मेरे पास। ओके ये भी अपना हो चुका है। बाय न्यू सेक्शन टू इंक्रीज योर इंक्रीज द एरिया ऑफ द गेस्ट स्टेशन। ओके इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये महंगा है, मुझे मालूम है ये महंगा सोता है। एक सेक्शन को बाय करने के लिए मेरे को $700 लगेंगे भाई, इतना महंगा नहीं हो पाएगा मेरे से, फिलहाल नहीं हो पाएगा। ओके कोई बंदा फ्यूल के लिए वेट कर रहा है, रुको जरा। फ्यूल वाले रुक जाते हैं भाई, फ्यूल वाले सीरियसली रुक जाते हैं, ये नहीं रुकता बस पता नहीं क्यों। अच्छा वो आगे वाले पे, ओके ये वाला अभी हमने नया ओपन किया था ना, आई थिंक सो 3 हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। ओके हो गया, मैडम जी पैसे दो फटाफट से। ओके ये मुझे और भी काम है, आपके साथ बातें नहीं कर सकता मैं। गाड़ियाँ अपनी धुल के जा रही है शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है गाड़ियाँ धुल भी रही है या नहीं, क्योंकि पहले वो ख़त्म हो गया था ना, इसलिए अभी क्या वो आया नहीं आया उसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके फ्रिज भी मैंने बाय कर लिया है अपना। ऑलराइट सो गाइस यहाँ पर देखो भाई कितना ही सही लग रहा है अभी ये देखने में। एंड ये सामान मैं अभी और भी ऑर्डर करूँगा बाद में। आई नीड टू, अबे यार इन लोगों का भाई यही समझ में नहीं आता मेरे को, बट भाई मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। अबे क्या हो गया, हेलो। ओके सो गाइस कुछ ग्लिच था जिसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था भाई, कुछ भी नहीं कर पा रहा था ना, इसको पेट्रोल भर पा रहा था ना उधर गाड़ियां धो पा रहा था। ऑलराइट सो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं हम लोग, आज हमने बहुत काम कर लिया अपने इस गेस्ट स्टेशन के अंदर भाई। मैंने अपने लिए नए नए फर्नीचर्स बाई किए हैं, प्रोडक्ट लाइसेंस बाई किए हैं, एंड साथ ही साथ एक और न्यू गैस पंप भी बाई कर लिया हम लोगों ने, ये वाला। ये दोनों गैसोलीन के हैं एंड ये मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, जो कि हम लोग आई थिंक सो कि नेक्स्ट वाले में हम लोग इसको फुल्ली अपग्रेड भी कर दें, क्योंकि भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आएगा वैसे वैसे हम लोग करने वाले हैं। बट अभी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग अपने स्टोर का अपना एक सेक्शन बढ़ाने वाले हैं, मतलब अपने स्टोर को अपग्रेड करने वाले हैं। सो या इफ यू एंजॉय दिस वीडियो सो प्लीज से वीडियो को लाइक मार देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा देना। एंड तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में।